पिछले क्लास में हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन पढ़े थे विद द हेल्प ऑफ इनर्ट गैस, यानी जैसे बड़े बड़े एलिमेंट्स थे, लीड था, अनन एक्वाडियम हो गया, अनन बीएम हो गया। अब इन सब का 1s2 से लिखेंगे तो बहुत बड़ा कन्फिगरेशन हो जा रहा था, तो उनके कन्फिगरेशन को शॉर्ट में लिखने के लिए हम लोग इनर्ट गैस का इस्तेमाल करते हैं। वहाँ तक का कन्फिगरेशन पूरा हो गया था। अब आज हम लोग पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन कैसे आइडेंटिफाई करते हैं और ऑर्बिटल के अनुसार से इलेक्ट्रॉन कैसे फिल करते हैं। तो यहाँ दो रूल आएगा, एक अभी आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। ये बताता है कि एन ऑर्बिटल, ऑर्बिटल को हम लोग बॉक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, ये एस ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, जिसमें से एक क्लॉकवाइज होगा और दूसरा क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज। अगर ऐसे लिखते हैं तो ये सही है। अगर आप एक ही ऑर्बिटल बना रहे हैं लेकिन इसमें 2 इलेक्ट्रॉन डाल रहे हैं लेकिन दोनों का डायरेक्शन सेम हो गया तो ये गलत हो जाएगा। अगर एक ऑर्बिटल आप बना रहे हैं और इसमें से 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन आप डाल रहे हैं तो गलत हो जाएगा। यानी यहाँ ये रूल बताता है एन ऑर्बिटल यानी कि एक बॉक्स जो रिप्रेजेंट करते हैं कैन अकोमोडेट मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, यानी 1 हो सकता है लेकिन 2 से ज़्यादा नहीं हो सकता है, जिसमें से एक क्लॉकवाइज होगा और दूसरा एंटी क्लॉकवाइज होगा। आप भी ये बॉक्स बना लीजिए। चलो यहाँ देखो हुंड्स रूल के बारे में। जैसे अगर ऑर्बिटल को ले हम लोग तो एस में एक ही ऑर्बिटल होता है, पी सबसेल में 3 ऑर्बिटल होता है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर में पढ़े थे हम लोग, और डी सबसेल में 5 ऑर्बिटल होता है, या 1, 2, 3, 4 और 5। ये जो एक साथ में बॉक्स लिखा हुआ बनाया हुआ है, यहाँ पर एस है, ये पी के लिए है और ये डी के लिए है, तो इन सब को एक साथ लिखा गया। इसका मतलब ये हो कि इन सब का एनर्जी वैल्यू सेम है। और हुंड्स रूल बताता है कि जब सेम एनर्जी लेवल वाले में इलेक्ट्रॉन आप फिल करते हैं तो पहले एक एक इलेक्ट्रॉन जाएगा, उसके बाद फिर उनका पेयरिंग स्टार्ट होगा। जैसे आप स्टूडेंट्स हैं तो एज ए टीचर हमारे लिए सारे स्टूडेंट्स बराबर हैं, अगर कोई गलती करते हैं तो इक्वली डांटना है सबको, अच्छा करते हैं तो एप्रिसिएशन मिलना चाहिए, ठीक है। अगर मान लें कि किसी दिन हाइपोथेटिकली इमेजिनरी मान लें कि किसी दिन खुश हो गए और मन किया कि आज टॉफ़ी खिलाते हैं लोगों को, मान लिया, ठीक है, तो मान लें कि टॉफ़ी खिलाते हैं, एक पैकेट खरीद करके ले आए, नहीं है एग्जैक्ट आइडिया है कि कितने स्टूडेंट हैं और कितना इसमें टॉफ़ी है, तो नियम क्या होना चाहिए, एक एक करके पहले दीजिए, ठीक है, एक एक करके दिए और फिर बचा हुआ है और इतने ही स्टूडेंट हैं, इसे ख़त्म ही यहाँ करना है, तो फिर यहाँ से दोबारा ऐसे शुरू करेंगे। मान लें कि वहाँ जाते जाते ख़त्म हो गया तो भी किसी को फीलिंग नहीं आएगा कि अच्छा वो रूल के अनुसार से अपना कर रहे थे। लेकिन आप इमेजिन करो, अच्छा तुम कहाँ से आती है, ये मेरे घर से दूर पड़ता है, तुम कहाँ से, हाँ ये मेरे घर के नज़दीक में, चलो लो तुम 5 ले लो, तब यहाँ तो पार्शियलिटी हो गया, तब कहाँ इक्वल हो गया। तो यह इक्वलिटी को आप फॉलो नहीं कर रहे हैं। तो इक्वलिटी कहने का मतलब पहले सिंगली होना चाहिए, उसके बाद में फिर उसका पेयरिंग होना चाहिए। बोर्ड पर देखो, जैसे अगर मान लिया कि इसमें 1 इलेक्ट्रॉन है तो 1 इलेक्ट्रॉन तो बस एक ही फिल होगा। इसमें सपोज 4 इलेक्ट्रॉन है तो देखो 4 इलेक्ट्रॉन कैसे फिल होगा, इन तीनों का एनर्जी सेम है, पहले ऐसे स्टार्ट होगा 1, 2, 3 और यहाँ क्या 4। इसमें मान लिया कि 7 इलेक्ट्रॉन है तो इन पांचों का एनर्जी सेम है, तो इलेक्ट्रॉन देखो ऐसे होगा 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये 7। समझ में आया? जब कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो पहले सिंगली फील्ड होगा, जब ये पूरा आधा भर जाएगा तो फिर इनका पेयरिंग स्टार्ट होगा। तीनों लॉ को एक बार फिर से याद करो। अबव प्रिंसिपल ये बताता है कि इन इलेक्ट्रॉन का फिलिंग सबसेल के इंक्रीजिंग एनर्जी लेवल के अनुसार से होता है। 1s, 1s के फिल्ड होने जाने के बाद में 2s, 2p, 3s, 3p। पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल ये बताता है कि एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, एक क्लॉकवाइज या दूसरा एंटी क्लॉकवाइज। और हुंड्स रूल बताता है कि अगर सेम एनर्जी लेवल वाले हैं तो पहले उसमें इलेक्ट्रॉन एक एक करके जाएगा, जब हाफ फील्ड ये हो जाएगा तब फिर उनका क्या होगा, पेयरिंग स्टार्ट करेगा। और तीनों बिल्कुल एकदम इंडिपेंडेंट है। आगे हम लोग जब कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट कर लेंगे तो क्वेश्चन बनाएंगे, ये कई बार में होगा कि अब ये गलत है कॉन्फ़िगरेशन, लेकिन किस रूल के अनुसार से गलत है, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में यही क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है। ये तो दिख रहा है कि कॉन्फ़िगरेशन गलत है लेकिन आपसे कहेगा कि ये किस रूल को वायलेट करता है, वो हम लोग बाद में बात करेंगे, एक क्लास के बाद में, अभी पहले इसको नोट कर लो। अब इस जगह पे कॉन्फ़िगरेशन में आ जाते हैं हम लोग। अब हुंड्स रूल, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, इन सभी का यूज करना है
कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखेंगे, और इस ऑर्बिटल वाले कॉन्फ़िगरेशन से हम लोग ये भी निकाल सकते हैं कि किसमें कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं। और स्टार्ट करते हैं, हम एक दो आपको बताते हैं, उसके बाद में फिर आप कॉपी कीजिएगा। सबसे पहले यह हमें जरूरत पड़ेगा अबव प्रिंसिपल के अनुसार से 1s, 2s, 3s, 4s, 5s, 6s, 7s। यहाँ बताओ p, 2p, 3p, 4p, 5p, 6p, 7p। यहाँ 3d, 4d, 5d, 6d, 7d। यहाँ 4f, 5f, 6f, 7f। पहले इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा? 1s में। इसके बाद 2s, 2p, 3s, 3p, 4s, 3d, 4p, 5s, 4d, 5p, 6s, 4f, 5d, 6p, 7s, 5f, 6d, 7p। ये हो गया। दूसरा बात आप बताओ, s में मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन रहता है, p में मैक्सिमम, d में मैक्सिमम और f में मैक्सिमम 40। फिर इनर्ट गैस हम लोग पिछले क्लास में पढ़े, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, ज़ेनन और रेडॉन। हीलियम का एटॉमिक नंबर 2, 10, 18, 36, 54, 86। हीलियम का 1s2, नियॉन का लिखेंगे तो 2p6, अब बाकी 3p6, यहाँ 4p6, 5p6, 6p6। ये इतना सारा इन्फॉर्मेशन, ये सब कुछ हम लोग ऑलरेडी पहले पढ़ चुके हैं, इसका यूज कर चुके हैं, लेकिन इन सब का जरूरत पड़ेगा अभी भी। अब जैसे किसी एलिमेंट का कॉन्फ़िगरेशन लिखना है, कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 6। तो आप चाहें तो 1s से भी स्टार्ट करते हैं या फिर इनर्ट गैस से भी स्टार्ट करते हैं। बताओ तो अगर इनर्ट गैस से लिखना होगा तो इसमें कौन आएगा इनर्ट गैस? हीलियम। तो यहाँ लिख दिए हीलियम। हीलियम एंड कर रहा है कहाँ पर? 1s पर। तो 1s के बाद कहाँ जाएगा? 2s, 2s के बाद 2p। देखो यहाँ लिखेंगे हम लोग 2s2 और 2p2, 2, 2, 4 एंड 2, 6। अब इसका एटॉमिक ऑर्बिटल डायग्राम बनाना है। तो यहाँ हीलियम, इस सबसेल में एक ही ऑर्बिटल होता है इसलिए एक बॉक्स बनाते हैं। ये s के लिए हो गया 2s। p सबसेल में 3 ऑर्बिटल होता है, px, py और pz, क्योंकि l का वैल्यू p के लिए 1 होता है और ml का वैल्यू -1 से +1, तो -1, 0 और +1, यानी कि कितने बन गए? 3। तो यहाँ ये 3 ऑर्बिटल्स हो गया। यहाँ 2p2, तो यहाँ लिख दो 2p2, ये 2s2। अब इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं। देखो इस s में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ आ गया 1, 2। यहाँ p में 2 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन इन तीनों का एनर्जी सेम है, तो हुंड्स रूल क्या बताता है? पहले सिंगली फील्ड होगा, उसके बाद पेयरिंग होगा। तो चूंकि 2 ही इलेक्ट्रॉन बचा था, तो दोनों में एक एक इलेक्ट्रॉन चला गया, तो ये कॉन्फ़िगरेशन हो गया। यहाँ से अगर कोई आपसे पूछे कि इसमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो देखो ये तो पेयर्ड है, ये दोनों क्या है? अनपेयर्ड। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का नंबर कितना आ गया? 2। दूसरा कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं हम लोग, क्लोरीन का 17 होता है। आप बताओ इसके पहले इनर्ट गैस, तो यहाँ लिख दिया हम लोग नियॉन। नियॉन कहाँ इंड कर रहा है? 2p पर। फिर बताओ 3s2, 3s के बाद 3p। काउंट कर लेते हैं इलेक्ट्रॉन, इसका 10, 2, 12, यहाँ कितना आएगा? 5, 3p5। अब इसका एटॉमिक ऑर्बिटल डायग्राम बोला जाता है उससे, नियॉन 3s है, बताओ s के लिए कितना ऑर्बिटल बनाएंगे? 1। यहाँ p के लिए 3 ऑर्बिटल्स, 1, 2, 3। यहाँ आ गया 3s2 और जगह पर 3p5। इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं, 1, 2, यहाँ 5 है, देखो कैसा फिल कर रहे हैं, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है, 5 इलेक्ट्रॉन। बताओ यहाँ नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना हो गया? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ये आ गया 1, निकल जाएगा। ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का भी जरूरत पड़ना है आगे,
केमिस्ट्री में, कंसेप्ट यहाँ से आया और इसका यूज जो है वो आगे आएगा। मैग्नेटिक बिहेवियर पता चलता है, पारा मैग्नेटिक होगा, डाया मैग्नेटिक होगा, वो अभी ज़रूरत नहीं है तो उसके बारे में नहीं बता रहे हैं, अभी सिर्फ ये बताएं कि कैसे लिखा जाएगा। आगे एक और बताते हैं, जैसे अगर मान लिया कि हमें आयरन का निकालना होता, आयरन का कितना होता है 26, इसके ठीक पहले इनर्ट गैस कौन आएगा, आर्गन, आर्गन इंड करता है 3P पर, इसके बाद 4S2 और फिर 3D, काउंट करो इसका 18 to 20, यहाँ 6, तो 3D6 एटॉमिक ऑर्बिटल डायग्राम बनाएंगे। आर्गन 4S है तो बताओ S के लिए कितना ऑर्बिटल, 1, D के लिए 5, तो D के लिए 5 ऑर्बिटल, 1, 2, 3, 4 and 1, 5, 4S2 और 3D6। अब यहाँ S में 2 इलेक्ट्रॉन है तो 1, 2, D में 6 इलेक्ट्रॉन है, 1, 2, 3, 4, 5 and 1, 6, ठीक है। अब बताओ तो इसमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इट वुड बी इक्वल टू 4। तो इससे पता नहीं चल रहा था कि कितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, लेकिन इसके अनुसार से लिखे तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हमें पता चल गया कि किस में कितना है, लिखा सकता है ना। तो अब इसको आप कॉपी कर लीजिए, फिर आपको देंगे एक लिखने के लिए। क्रोमियम का एटॉमिक नंबर 24 है, इसके ठीक पहले आ गया आर्गन, इसके बाद 4s2, 3d4, एटॉमिक ऑर्बिटल डायग्राम बनाएंगे तो आर्गन 4s, 3d 1, 2, 3, 4 and 1, 5, यहाँ 3d4 है और जगह पर 4s2, 1, 2, 1, 2, 3, 4। लेकिन इनका ये कॉन्फ़िगरेशन अगर आप लिखते हैं तो ये कॉन्फ़िगरेशन गलत होगा, 4s2, 3d4। याद कीजिए हम लोग जब 281 के फॉर्म में लिख रहे थे तो वहाँ पर भी क्रोमियम और कॉपर का कॉन्फ़िगरेशन गलत हुआ था, और बोले थे कि जब सही समय आएगा तो उस वक्त में बताएंगे कि ये कैसे होता है और क्यों होता है। अब समय आ गया है कि इसके पीछे का रीजन जानने के लिए। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में अस्टेबिलिटी की बात करें अगर, तो हाफ फिल्ड ऑर्बिटल और फुल फिल्ड ऑर्बिटल दूसरे कॉन्फ़िगरेशन के रिस्पेक्ट में ज़्यादा स्टेबल होता है, यानी कि सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है फुल फिल्ड और दूसरे नंबर आता है हाफ फिल्ड। अब आप यहाँ देखो, डी में मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन आ सकता है, 10, और हाफ कितना हो सकता है, 5। तो अगर कहीं पर कॉन्फ़िगरेशन D4 आ रहा है तो ये हाफ फिल्ड होने के लिए D5 में कन्वर्ट करेगा, और अगर कहीं D9 आ रहा है तो ये फुल फिल्ड होने के लिए D10 में कन्वर्ट कर जाएगा। जैसे आप देखते होंगे कि अगर कोई 90 रन से क्रॉस किया है तब वो बैट्समैन अंडर प्रेशर आ जाता है, रीजन ये है कि अब अगर उसका 100 पूरा हो गया तो उसका एक रिकॉर्ड बन जाएगा, अस्टेबल हो जाएगा वो, ठीक है। तो 94-95 जाने के बाद में नर्वस करने लगता है, और कई बार में आप देखोगे कि 99 पर जाकर के आउट हो जाता है, क्योंकि 99 तक पहुंच गया तो उसको तो लगता है कि अब बस अब एक रन है, आउट नहीं होना है, और जैसे ही दिमाग में आया कि अब आउट नहीं होना तो आउट ही हो जाना है। कहीं पर अगर आपको चोट लगा हुआ है, कहीं जख्म है, तो आपके दिमाग में है कि इसको चोट लगने से बचाना है, दर्द करेगा, और अक्सर देखोगे कि आपको उसी जगह पर चोट लगता है, ठीक है। क्योंकि जहाँ पर ज़्यादा एक्स्ट्रा प्रिकॉशन की बात आ जाती है, प्रिकॉशन जरूरी है बट एक्स्ट्रा प्रिकॉशन की तरफ में बढ़ने लगे तो तय है कि हो जाएगा वहाँ पर, वही केस यहाँ पर भी आता है। तो अगर D4 है तो ये स्टेबल होने के लिए D5 में कन्वर्ट करना चाहेगा, और D9 है तो ये D10 में। अब सवाल उठता है कि इसको एक इलेक्ट्रॉन मिलेगा कहाँ से, तो ये एक इलेक्ट्रॉन इसको अपने बगल वाले से मिलेगा, यानी कि यहाँ D4 है तो ये S से बात करता है, बोलता है कि यार अपना एक इलेक्ट्रॉन हमें दे दो। बोला क्यों, तो कि अगर तुम अपना एक इलेक्ट्रॉन दे दोगे तो हम D4 से किस में कन्वर्ट करेंगे, D5 में, तो हम हाफ फिल्ड हो जाएंगे, स्टेबल हो जाएंगे। तो बोलेगा कि तो हम अनस्टेबल हो जाएं, तो बोलेगा नहीं अभी देखो तुम अस्टेबल हो, फुल फिल्ड हो, लेकिन अगर एक इलेक्ट्रॉन तुम दे दोगे, हम तुम्हारे साथ में ही हैं, तो तुम हाफ फिल्ड हो जाओगे एक इलेक्ट्रॉन देने पर। तो हाफ फिल्ड और फुल फिल्ड दोनों स्टेबल होता है, और तुम्हारी वजह से हम क्या हो जाएंगे, अस्टेबल हो जाएंगे, तो इसलिए वो एक इलेक्ट्रॉन लेता है। तो अगर डी है, अस्टेबिलिटी सब में आता है और आगे भी बात करेंगे, अगर D4 है तो उसको किस में कन्वर्ट कर देना है, D5 में,
और अगर D9 है तो उसको कन्वर्ट कर देना है D10 में, और ये 1 इलेक्ट्रॉन आएगा कहाँ से, तो उसके आगे वाले S से। अगर ये 3D है तो 4S से लेगा, अगर ये 4D है तो 5S से लेगा, अगर ये 5D है तो 6 से लेगा। तो यहाँ पर इनका कन्फिग्रेशन अगर लिखेंगे तो देखो आप, क्रोमियम का कन्फिग्रेशन 24 है, तो यहाँ कन्फिग्रेशन क्या लिखा जाएगा, आर्गन 4S1 और 3D5। अब इसके पास में ये S 1 इलेक्ट्रॉन और D1, 2, 3, 4 and 1, 5, ये 3D5, 1, 2, 3, 4, 5, ये 4S1 था। आप बता सकते हैं इसमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, कितना हुआ, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 6। अब इसके अनुसार से 4S1 3D5, तो आप इसको 281 के फॉर्म में भी लिखोगे तो समझ में आ जाएगा कि वहां पर क्या हुआ था। पूरे डिटेल्स अगर इसके कॉन्फ़िगरेशन को लिखते हैं तो आएगा 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s1 और 3d5। तो देखो, तो यहाँ फर्स्ट ऑर्बिट, ये सेकंड ऑर्बिट, ये थर्ड और ये थर्ड। तो फर्स्ट ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन, 2, सेकंड ऑर्बिट में 8, थर्ड ऑर्बिट में देखो 6, 2, 8 and 5, 13, और फोर्थ ऑर्बिट में 1, 2, 8, 13, 1, ठीक है। तो आपके लेवल में जिंक तक पढ़ना है, और जिंक तक में आपको ये ध्यान में रखना है कि कहीं पर भी कॉन्फ़िगरेशन में अगर D4 आएगा तो उसको किस में कन्वर्ट कर देंगे, D5 में, और D9 आएगा तो उसको D10 में। यहाँ ध्यान दीजिएगा, कॉपर का एटॉमिक नंबर है 29, कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो ये आ गया 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, मान ली पहले लिख दिया आप 4s2 और फिर लिखे क्या 3d9, तो ये 3d9 आया तो ये कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया, गलत होगा। क्या बताए कि अगर D4 है तो किस में कन्वर्ट करोगे, D5 में, और अगर D9 है तो उसको D10 में, ये गलत हुआ। सही क्या होगा, फिर नीचे लिखते हैं 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s1 और 3d10, ठीक है। अब 281 के फॉर्म में फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड में 8 इलेक्ट्रॉन, थर्ड में देखो कितना हो गया 6, 2, 8 and 10, 18, और फोर्थ में कितना है 1, 2, 8, 18, 1। अगर इनर्ट गैस से लिखेंगे तो इसके ठीक पहले इनर्ट गैस कौन, आर्गन 4s2 और 4s1 और 3d10। एटॉमिक ऑर्बिटल डायग्राम अगर बनाएंगे तो S के लिए 1, 4s1 और D के लिए कितना, 5 ऑर्बिटल्स, 1, 2, 3, 4 and 1, 5। यहाँ 3d10 इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं, 1 यहाँ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ठीक है। अब अगर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पूछा गया तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ये कितना आ गया, 1। देखिए इलेक्ट्रॉनिक कन्फेशन कितने तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है, 1s के फॉर्म से लेकर के बाकी का ऑर्बिटल डायग्राम तक का ये आप बना सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फेशन में, यानी जितने तरह का हो सकता था वो सब बताए आपको, सेल से स्टार्ट किए, सब सेल तक पहुंचे, फिर इनर्ट गैस यूज किए, फिर आज हम लोग ऑर्बिटल के अनुसार से पहुंचे। कितने लोगों का सही हुआ था ये, बाकी कॉपी कीजिए, तुमसे बन नहीं रहा है जी, अब 24 घंटा लाइब्रेरी में रहता है, आप सही छूट जाता है, ठीक, नोट कीजिए इसको और कंप्लीट कीजिएगा।
हो गया। चलो अब सवाल ये उठता है कि जैसे अभी ये पूछ भी रहा था कि सर ये हाफिल्ड और फुलफिल्ड वाला सिर्फ डी में ही अप्लाई होता है कि सब जगह अप्लाई होता है? सब जगह। तो बताओ पी सबसेल में, पी ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 6। तो इसका फुलफिल्ड हो गया 6 और हाफिल्ड कितना हो जाएगा? 3। तो मे बी आपके दिमाग में आ रहा होगा कि जैसे D4 को हम लोग D5 कर दिए, D9 को हम लोग D10 कर दिए, तो क्या P2 को P3 कर सकते हैं, P5 को P6 कर सकते हैं फुलफिल्ड करने के लिए? नहीं, वो नहीं करेंगे। अब सवाल उठता है क्यों? ऐसा तभी हो सकता है जब दो ऑर्बिटल के बीच का एनर्जी गैप कम हो। अब ये एनर्जी गैप क्या होता है जो समझो। आप बताओ सबसे पहले इलेक्ट्रॉन किस में फिल करते हैं? 1s, ठीक है। 1s के बाद एनर्जी किसका आता है? 2s, 2s के बाद 2p, 2p के बाद 3s, 3s के बाद 3p, फिर 4s, जबकि होना चाहिए था 3s, 3p, फिर क्या 3d, क्योंकि सब 3-3 के हैं, लेकिन बीच में कहाँ चलाया? 4s। इसको समझो यहाँ ध्यान से। ये मान ले कि थर्ड ऑर्बिट का है और इसमें s, p और d हैं। ये है फोर ऑर्बिट का, 4s, 4p, 4d, 4f। तो अगर ऐसे सीक्वेंस ये रहता इस तरीके से, तो ये हो जाता पहले 3s, फिर 3p, 3d, 4s, 4p, 4d, 4f। लेकिन होता क्या, ऐसे ना हो करके ये ऐसे हो जाता है, ओवरलैप हो जाता है। देख रहे हो ओवरलैप किया हुआ है। तो अब न्यूक्लियस के नज़दीक में पहले ये कौन आ गया? 3s, 3s के बाद ये। अब देखो तो 4s ज़्यादा नज़दीक में कि 3d? 4s, ओवरलैप किया इसकी वजह से। तो इसलिए पहले 4s में इलेक्ट्रॉन चला गया, उसके बाद कहाँ जा रहा है? 3d, उसके बाद फिर 4f और 4f। यानी कि जैसे ही फोर्थ ऑर्बिट इंटर करता है तो वहां से ऑर्बिटल का ओवरलैपिंग स्टार्ट होता है, और इस ओवरलैपिंग की वजह से यहां और यहां इन दोनों के बीच में तो एनर्जी गैप है, लेकिन ये ओवरलैपिंग की वजह से इन दोनों के बीच का एनर्जी गैप कम हो गया है। और जहां एनर्जी गैप कम होता है वहां एक्सचेंज होता है, उस जगह पर एक्सचेंज होता है। जैसे अभी आप 11th में हैं, 12th में जाएंगे, फिर आने वाले समय में आप जो है वो कॉलेज वगैरह में जाएंगे, बाहर रहने लगेंगे, अपने फैमिली से दूर रहने लगेंगे, तो उस वक्त में आपके फ्रेंड जो है वो आपके और ज़्यादा क्लोज हो जाएंगे, और बहुत ज़्यादा क्लोज हो जाएंगे। जैसे अभी आपके पेरेंट्स के भी फ्रेंड होंगे, मे बी कहीं बाहर रहते होंगे तो आपके यहाँ आते हैं, तो आप ही के यहाँ रुकते हैं, क्या तो कि मेरे पापा के दोस्त आए हैं, ठीक है, वहाँ आपके यहाँ स्टे करते हैं। यानी कि जैसे जैसे बढ़ने लगेगा तो क्लोजनेस यानी कि एनर्जी गैप जो वो घटने लगेगा। और उस वक्त में कॉलेज वगैरह में जाने के बाद में कई बार होता है, अक्सर एक साथ में रह रहे हैं तो कभी वो मेरा शर्ट पहन लिया, हम उसका शर्ट पहन लिए, ऐसा भी होता है, कपड़ा पहन लिए, एक्सचेंज कर लिए। तो एक्सचेंज वहीं होता है जहाँ एनर्जी गैप कम होता है। आपको अगर मन करेगा कि हम सर का टी शर्ट बदल ले, अपना वाला शर्ट दे दें, तो बताओ और आपके और हमारे बीच में एक्सचेंज होगा? नहीं होगा, नहीं होगा, क्योंकि हमारे और आपके बीच में एनर्जी गैप है। आप पेन लेने के लिए भी 10 बार सोचोगे कि मांगे कि नहीं मांगे इनके पास से, ठीक है, देंगे कि नहीं देंगे, कहीं नहीं देंगे तो वहीं आपका दोस्त होता है तो आप आसानी से एक्सचेंज कर लेते हैं। लंच वगैरह खा रहे होते हैं तो आपका दोस्त भी वहाँ बगल में लंच बॉक्स खोले हुए है, देखिए कि क्या है, तो पूछने का, परमिशन लेने का जरूरत नहीं है, आप उसमें से एक बाइट लेकर के चख लेते हैं। लेकिन आप सोचिए कि आप भी बैठे हुए और हम भी बैठे हुए, आप भी और हम भी लंच कर रहे हैं, तो हम भी आप में से नहीं निकालेंगे, हम भी नहीं निकालेंगे, ठीक है, क्योंकि हमारे और आपके बीच में एनर्जी गैप है। तो पूछेंगे कि बहुत टेस्टी लग रहा है जी, लें क्या? तो तुम रिस्पेक्ट देने के लिए बोलोगे हाँ हाँ सर लीजिए ना, ठीक है। आप जो मेरे से ज़्यादा थोड़ा सा सोचेंगे कि इनको बोलें कहीं खिसिया तो नहीं जाएंगे ये, ठीक है, कि सर आप ये खा रहे हैं टेस्ट करके हम भी देखें क्या, ठीक है। तो होता दोनों में डिफरेंस क्या आ गया? पहले वाले कंडीशन में जब आपका दोस्त था तो वहाँ पर एनर्जी गैप कम था तो शेयरिंग आसानी से हो रहा था। अभी हमारे और आपके बीच में एनर्जी गैप ज़्यादा है तो शेयरिंग कम होगा। हम आपसे सिर्फ उसी टॉपिक पर बात करेंगे जो हमारे सब्जेक्ट से रिलेटेड है, हम आपके पर्सनल मैटर में इंटरफेयर नहीं करेंगे। हम आपसे बहुत सारी वैसी बातें नहीं पूछेंगे जो एक टीचर और स्टूडेंट्स के बीच में नहीं होना चाहिए, लेकिन एक फ्रेंड और दूसरे फ्रेंड के बीच में बहुत सारी बातें होती हैं, ठीक है। तो आप बहुत तरीके के बात का आपस में डिस्कशन कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ आपके बीच में एनर्जी गैप कम है और यहाँ आपके और हमारे बीच में एनर्जी गैप ज़्यादा है। ये वहीं एक्सचेंज हो सकता है जहाँ पर एनर्जी गैप क्या हो? कम हो।
और वो एनर्जी गैप 4s और 3d के बीच में है। क्यों 4s और 3d के बीच में है? क्योंकि यहाँ पर ऑर्बिटल क्या कर रहा है, ओवरलैप कर रहा है। तो जब ओवरलैप कर रहा है तो इन दोनों के बीच का एनर्जी गैप जो है वो कम हो गया। अब आया बात समझ में? तो जिंक तक आपको पढ़ना है, और जिंक तक में सिर्फ दो ही जगह पर आएगा ओवरलैपिंग वाला बात, एक कॉपर के केस में और दूसरा क्रोमियम के केस में। और अक्सर आपसे अगर कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए कहा जाएगा तो क्रोमियम और कॉपर ही कहा जाएगा, क्योंकि ये टेस्ट करना होता है कि ये D4 लिखता है या D5 लिखता है। अगर याद रहेगा, पढ़ा हुआ है, तभी ध्यान जाएगा कि अगर कहीं पर भी D4 है तो उसको किस में कन्वर्ट कर देना है, D5 में, और अगर D9 है तो कन्वर्ट कर देना है D10। क्लियर है यहाँ तक? जैसे अगर मान लिया कि हमें कॉन्फ़िगरेशन लिखना है O2- का, इसके ऊपर में 2- है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 8, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, इसके ऊपर में 2- चार्ज है, इसका मतलब इसने दो इलेक्ट्रॉन क्या किया है, गेन किया है। तो पहले जहां 8 था, अब 2 इलेक्ट्रॉन गेन किया, तो अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 10। इनका कन्फिग्रेशन लिखना होगा, तो 10 है तो क्या बताए थे, जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उसके ठीक पहले का इनर्ट गैस, तो इसके पहले का इनर्ट गैस आप नियॉन नहीं लेंगे, नियॉन का कितना हो गया 10, तो नियॉन का तो नियॉन ही लिख देंगे आप, तो उसके ठीक पहले का इनर्ट गैस, तो इसके पहले का इनर्ट गैस कौन होगा, हीलियम। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग हीलियम, यहाँ 2 हो गया, इसके बाद 2s2 और यहाँ पर 2p6। अगर मान लें कि हमें लिखना है Al3+ का, एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर 13, अब आप बताओ इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना, कितना 10, बोलो इसके पहले कौन इनर्ट गैस, हीलियम। जैसे नियॉन का लिखना होगा कॉन्फ़िगरेशन, तो नियॉन ही तो नहीं लिखेंगे, नियॉन के ठीक पहले कौन इनर्ट गैस आएगा, हीलियम, तो हीलियम 2s2 2p6 लिखा जाएगा, यानी जितना इलेक्ट्रॉन है उसके पहले का इनर्ट गैस हमें काउंट करना होता है। तो यहाँ क्या लिखेंगे फिर हम लोग, हीलियम, बोलो नियॉन लिखें, एल्युमिनियम का इलेक्ट्रॉन कितना हो गया 10, तो 10 के पहले इनर्ट गैस, तो 10 के पहले इनर्ट गैस देखो यहां, नियॉन का खुद कितना है 10, तब तो सिर्फ कोई कॉन्फ़िगरेशन आया ही नहीं, कॉन्फ़िगरेशन कहने का मतलब अरेंजमेंट, तब तो सिर्फ नियॉन लिख देंगे तो कोई कॉन्फ़िगरेशन लिखाएगा ही नहीं। अगर आपसे कहा जाए आर्गन का कॉन्फ़िगरेशन लिखो, तो आर्गन लिख दोगे सिर्फ, आर्गन का खुद 18 है, तो उसके ठीक पहले इनर्ट गैस, हमेशा यह याद रखो, तो आर्गन का लिखना है तो इसके ठीक पहले कौन इनर्ट गैस आएगा, नियॉन, नियॉन का लिखना है तो इसके ठीक पहले हीलियम, ये ध्यान में रखना है। जैसे आयरन का लिखे तो आयरन का एटॉमिक नंबर कितना है 26, तो इसके ठीक पहले का इनर्ट गैस आर्गन आ गया। अगर मान लें कि किसी का लिख रहे हैं जिसमें ऑलरेडी 54 आ गया, इलेक्ट्रॉन का नंबर 54 है, तो इनर्ट गैस कौन सा लेंगे हम लोग, 36, यानी कि क्रिप्टन। समझ में आया बात को? वही तो दो बार से बता रहे थे, इसका मतलब वहां नहीं फॉलो किए, यहां पर भी तो 10 आया था, तो 10 आया तो हम लोग नियॉन नहीं लिखें, क्योंकि नियॉन लिखेंगे तो कॉन्फ़िगरेशन फिर आगे बढ़ेगा ही नहीं, नियॉन में तो 10 पूरा हो गया, तो नियॉन के ठीक पहले इनर्ट गैस कौन था, हीलियम, वो लेके चले, या हीलियम, बोलो इनका कॉन्फ़िगरेशन 2s2 और 2p6, आगे +1 -1 कुछ भी रह सकता है, इनको नोट कीजिए, और जो दे रहे हैं उसका कॉन्फ़िगरेशन आप लिखोगे। बताओ इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना आया, इसके ठीक पहले इनर्ट गैस, नियॉन 2p पर एंड करता है, तो यहां 3s2 और 3p6, ठीक है, कितने लोग का बना था ये, ठीक। अब एक और दे रहे हैं आपको, Fe2+, आयरन का एटॉमिक नंबर 26 होता है, पहले बताओ इलेक्ट्रॉन का नंबर 24, तो बोलो यहाँ इनर्ट गैस, फिर 4s2 3d4 लिखे हैं ये, तो ये गलत हो गया, 4s1, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन आर्गन 4s1 3d5 ये लिखे हैं,
ये भी गलत है, ठीक है। अब यहां मामला अटक गया, ठीक है। अब इसको देखेंगे हम लोग अगले एपिसोड में, ठीक है। कि अब यहां पर अगला क्या कंसेप्ट आ रहा है जो, ठीक है, क्योंकि आपके तो दिमाग में है कि 24 है, तो 24 है तो आप ये लिख दिए, मान लें कि भूल से, तो जो समझदार था वो कहा कि D5 हम लिख देते हैं, तो D5 लिखें, लेकिन उनका भी समझदारी यहां पर काम नहीं किया। अब ये क्या सही होगा अगले क्लास में, और अगले क्लास में ये चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, अगर किस तरह का समझने में कोई दिक्कत है, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे उसे रिप्लाई करने के लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।